हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम पालक पनीर बना रहे हैं। अभी इसको धो के टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक इसमें मिला के एक उबाल देंगे और उसके बाद इसको ठंडा करके मिक्सी में पीस के पनीर के साथ बनाएंगे। ये देखिए, तीन बड़े बड़े टमाटर डाल रहे हैं। इसमें क्या है, टमाटर थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो इसी में हम ऐसे रब चॉप करके डाल देंगे। ताकि मिक्सी में पीसा जाएगा। इसमें अभी हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि बनने के बाद थोड़ी सी हो जाता है, तो हम ऊपर से नमक डालेंगे। इसको बस एक उबाल देके ठंडा करके पीसेंगे। और प्याज में हम पनीर डालेंगे और उसके बाद हम पालक को पीस के ऊपर से डालेंगे। इसमें आगे की सामग्री आपको बाद में दिखाऊंगी। ये देखिए, ये पनीर है। इसको हम फाड़ के थोड़ा गर्म पानी में डाल देंगे। फ्रीजर में रखे हुआ पनीर है, तो हम इसको गर्म पानी में डाल देंगे तो नॉर्मल में आ जाएगा। इसी को हम पालक पनीर बनाएंगे। पालक हमारा उबल गया है, प्याज कट गया है और अभी लहसुन छीलेंगे। बहुत सारे लहसुन डालने से उसका फ्लेवर आता है, तो बहुत अच्छा लगता है गार्लिक का। ये हमारा तेल गर्म हो गया, इसमें हम जीरा फोरन करेंगे और काली मिर्ची को दो चार कूट के डाल देंगे। इसमें बहुत सारा लहसुन डालना पड़ता है। इसमें थोड़ा काली मिर्ची और इसके बाद हम प्याज। प्याज लाल होकर भून जाएगा तो हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे। और पनीर को हमारा चलने कर देते हैं। इसमें तेल थोड़ा ज्यादा लगता है पर ना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे बनाने से। अब इसी में हम हल्दी पाउडर आधा चम्मच, मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, हरी मिर्ची पलक में उबाल दिए और धनिया पाउडर 1 चम्मच। और इसी में हमारा पनीर को
डाल देंगे ताकि उसे मैं ग्रेवी हमारा अच्छा से पकेगा तो अच्छा लगेगा। और इसी में हम नमक डालेंगे। नमक ऐड करने से पनीर में अंदर चले जाएगा स्वाद अनुसार नमक। और हमारा ये हल्का फुल्का भुंजा के ज्यादा नहीं भूंजना है हमको। ज्यादा भूंजने से हमारा सॉफ्ट बन चले जाएगा और हार्ड हो जाएगा। और हम इसी में पनीर को पालक को पीस लिया और थोड़ा पीस देते हैं। ये देखिए ऐसे दो बार करके पीसते हैं हम। अब हमारा पालक पनीर बन के रेडी। ये देखिए ये देखो बन के रेडी। अब इसी में हम एक चम्मच देसी घी डाल देंगे तो इसमें और बहुत स्वाद बढ़ता है। अब हमारा ये बन के रेडी। ये देखिए बन के रेडी। 1 किलो पालक में 1/2 किलो पनीर। ये देखिए हमारा बन के रेडी।